तो आज का जो जानकारी फुलवारी कर बारे में है जो किसान भाई बहन गेंदा फूल कर खेती करना गेंदा फूल कर खेती कर उत्तम तकनीक कर बारे में गेंदा फूल की तकनीक के लिए किसान भाइयों को पहले तो कि, कि, कि गेंदा की फूल की खेती कब करेंगे इस पर इस यहाँ से हम बात आरंभ करें गेंदा फूल की खेती देखिए फूलों में गेंदा और जैसे कि सब्जियों में होता है बैंगन मिर्च सालों भर खेती की जाती है तो आप इसके लिए आप कभी जब आपकी इच्छा हो तो ऐसे अगर मौसम वार कहें तो मौसम वार जो है सो बरसात में भी होता है जाड़े में भी होता है और गर्मी भी होता है अगर आपको बरसात के मौसम का खेती करना है गेंदा की तो आप जो है सो जून महीने में इसका बीज डालें और जुलाई में रोपाई कर दें और गेंदा फूल में किस्में इतनी सारी हैं और उनका ड्यूरेशन जो होता है पूरा फसल का वो फसल जो है सो तीन महीना से लेकर के सात महीने तक भेरी करता है अलग अलग किस्मों का तो उसके मुताबिक आपको फूल कब चाहिए उसके हिसाब से आप किस्मों का चुनाव करें और जहाँ तक कि नामकरण का बात है किस्मों में तो गेंदा में बहुत सारी हज़ारों हज़ार किस्में हैं प्रतिदिन चूँकि गेंदा में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बहुत आसान है आसानी से इसका जो है सो हम लोग संकर बीज तैयार कर सकते हैं इसलिए इसकी हज़ारों हज़ार किस्में हमेशा निकल रही हैं आप नया जो भी किस्म आप यूज़ करने चलिए उस किस्म के बारे में पहले जानिए को वो किस्म में खासियत क्या है उस आ, वो खासियत आपके लिए सूट करता है कि नहीं तभी उस किस्म का बीज आप लेकर के खे खे खेती करें गेंदा फूल तीन तरह के होते हैं मुख्य रूप से एक अफ्रीकन टॉल है और दूसरा फ्रेंच मेरी गोल्ड है और तीसरा कि सामान्य रूप से जो हम लोग के यहाँ पूजा पाठ वगैरह के लिए फूल हम लोग यूज करते हैं वो हैं तो अच्छा अब इसमें चारे में फ्रेंच मेरी गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है क्योंकि ये खास कर गमला में इसको लोग लगाते हैं या फिर बॉर्डर पर अपने फुलवारी में लगाते हैं या अपने घरों के सजावट की लगाते हैं या घरों के अंदर में लगा र, र, रखते हैं और वो पूरा गमला भरा हुआ रहता है इसमें कहीं एक पत्ती दिखाई नहीं पड़ती है इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड फ्रेंच मेरी गोल्ड का होता है फ्रेंच मेरी गोल्ड में हमारे क्षेत्र के लिए आई आई एच आर बंगलोर ने दो बहुत अच्छी किस्में डेवलप कर रखी हैं और दोनों किस्मों का मैं नाम और गुण बता दूं। पहला तो है ये अरका हनी अरका हनी की खासियत ये है कि ये जो है सो आपको ये दो रंगा फूल होता है किनारे किनारे ऑरेंज रंग का होता है और बीच में इसका गाढ़ा लाल रंग का फूल होता है 4.8 सेंटीमीटर ये मैंने चौड़ा फूल होता है साथ ही साथ इसकी उत्पादन प्रति फाइव पॉइंट एट टन प्रति हेक्टेयर पाँच दशमलव आठ टन प्रति हेक्टेयर उपज होता है ये इसकी खासियत है और ये पैंतीस दिन में ये फू आरंभ हो कर देता है और 6 सप्ताह तक ये आपको फूल देता है यानी कि टोटल ये तीन महीने का फूल है दूसरा वेराइटी इसका है अरकापरी अरकापरी की खासियत है कि ये पूरा जो है सो ऑरेंज कलर का होता है और ये फूल की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर होता है इसकी उत्पादन क्षमता 4.7 टन प्रति हेक्टेयर होता है और ये फूल जो है सो आपको आ, तीस दिन में ही फुलाना आरंभ करता है और नौ सप्ताह तक इसका टोटल फुलाने का समय होता है